तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही यूजफुल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो वीडियो पर आज तक बने रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी और पे सेट कर दे हमारी हर एक नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको सर्च कर लेना है, सर्च पे जाना है और सर्च कर लेना है स्क्रीन पिनिंग। तो गाइस, हम स्क्रीन पिनिंग सर्च कर लेना है, और स्क्रीन पिनिंग सर्च करने के बाद आपको इसको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसको ओपन करके उसको ऑन कर लेना है। अब मैं इसका आपको यूज़ बता देता हूँ। जैसे कि आप किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, मिनिमाइज़ करके, उसके बाद आपको इसको पिन कर लेना है। पिन करने से क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इसको पिन कर लेंगे तो आप इस ऐप के अलावा कोई और ऐप नहीं चला सकते, और इसका यूज़ आप अपने छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर वो सिर्फ गेम, आप चाहते हैं कि सिर्फ वो गेम खेले और किसी ऐप का यूज़ ना करे, तो आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अनपिन कैसे करना है। तो गाइस, आपको क्या करना है, आपको बैक बटन और मिनिमाइज बटन को होल्ड करके रखना है, तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर ले हमारी हर एक नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे